आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शैलेंद्र से, जो न्यूरो सर्जन है, गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर है। उनके रिगार्डिंग जानकारी वो खुद ही अपना परिचय देकर तो बेहतर होगा। मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोल सकता क्योंकि न्यूरो सर्जन के बारे में मैं भी कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सोलंकी है। मैं BG मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने अपना MCH न्यूरो सर्जरी यहाँ BG मेडिकल कॉलेज से ही पास किया है और मैं 2017 से यहाँ एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन वर्क कर रहा हूँ। सर, आपसे पहला ही सवाल है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो बहुत सारे पेशेंट जैसे एक दो साल में कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं और कुछ हमारे जैसे होते हैं या तो व्हील चेयर में रह जाते हैं या तो मैं वन स्टिक से चल पा रहा हूँ बस, तो ये कैसे होता है? यानी कि उसके रिगार्डिंग के भाई वो इंजरी में क्या कोई टेम्पररी होती है या परमानेंट इंजरी जैसा होता है क्या, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताइए। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ब्रॉड टर्म है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हमारे न्यूरो सर्जरी के लैंग्वेज में दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होती है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और एक होती है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है कि जिस लेवल पे आपको इंजरी हुई है उसके नीचे के लेवल से सेंसेशन और पावर, बॉवल ब्लेडर सब चला जाता है। दैट इज परमानेंट, मतलब दैट इज कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि जिसमें जिस लेवल पे चोट लगी है उससे नीचे आपको कुछ पता भी ना चले, टॉयलेट पेशाब का भी पता ना चले और आपके पैरों की मूवमेंट भी बिल्कुल ना हो। वैसी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर शुरुआत के 24 to 48 hours वो स्पाइनल शॉक की वजह से वो हो सकता है। अगर शुरुआत के 24 to 48 hours के बाद भी उसमें पावर नहीं आता है, सेंसेशन नहीं आते हैं, तो ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म रिकवरी आने के चांसेस केवल 3% है, ओनली 3%। दूसरा होता है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके अंदर जिस लेवल पे इंजरी हुई है उसके नीचे एटलीस्ट सेंसेशन भी है, भले पावर नहीं है लेकिन एबल सेंसेशन भी है, तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस 50% जितने होते हैं। इनकम्प्लीट में भी आगे अलग अलग BCDE 4 ग्रेडिंग है, उसके अंदर की मसल के अंदर पावर कितना है, यूजफुल है कि नॉन यूजफुल है, उसके हिसाब से उसको आगे डिवाइड करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, लगा है उससे नीचे के लेवल पे सेंसेशन भी चले गए हैं और वो 48 hours तक वापस नहीं आते, तो वैसे केसेस में रिकवरी के चांसेस लॉन्ग टर्म केवल 3% है। जिसमें सेंसेशन है उसमें रिकवरी के चांसेस 50% और ज़्यादा है अगर पावर है तो। तो सर जो लोग कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं जैसे कि 2 साल में हो गए, तो उनको यानी कि इंजरी कम्प्लीट मानी जाती है कि इनकम्प्लीट, जैसे परमानेंट होती है जैसे उस तरह से, या तो उनकी तो इंजरी, जो लोग जनरली ठीक हो जाते हैं ना उनकी इंजरी कम्प्लीट नहीं होती। ज़्यादातर जो लोग की रिकवरी आती है उन लोगों को इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अलावा रिहैबिलिटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मतलब शुरुआत के हफ्ते, 10 दिन 15 दिन आप हॉस्पिटल में स्पेंड करते हो जहाँ पर आपको इंजेक्शन देते हैं, फिजियोथेरापी और वो सब कराते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको घर पे चले जाना है और उसके बाद आप कैसे फिजियोथेरापी करते हो, कैसे मेहनत करते हो, आपका मनोबल कितना मजबूत है, उसके हिसाब से फिर आगे की रिकवरी डिसाइड होती है। लेकिन अल्टीमेट फैक्टर इज दैट कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी फिजियोथेरेपी कर ले, लॉन्ग टर्म रिकवरी के चांसेस केवल 3% 3% ही रहेंगे। सर, अब एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि जैसे कि इनकम्प्लीट इंजरी है तो कुछ लोग तो 2 साल में ठीक हो ही जाते हैं जैसे आपने कहा कि भाई फिजियोथर, अब जैसे मेरे जैसे है कि भाई जिनको इनकम्प्लीट इंजरी है लेकिन ठीक नहीं हो पाए 2 साल के बाद भी, यानी 6 साल हो गए मेरे और मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला UDID के 80% के भाई आप कम्प्लीटली परमानेंट इंजरी है कि भाई नहीं ठीक हो पाओगे, फुल्ली रिकवरी जैसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो पाओगे, तो उसमें उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा एनलाइटिंग कीजिए ना। जनरली टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी उसके लिए 1 साल की गाइडलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। मतलब किसी भी मरीज को इंजरी हुई है तो 1 साल तक उसकी रिकवरी मैक्सिमम आ सकती है। तो 1 साल तक कोई भी इंजरी है उसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते, तब तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम पैराप्लेजिक लोग चलते भी हो जाते हैं, तो 1 साल तक की जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम टेम्पररी डिसेबिलिटी कहते हैं। 1 साल के बाद जो डिसेबिलिटी है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हम लेबल करते हैं। लेकिन एक बार परमानेंट डिसेबिलिटी लेबल करने के बाद भी उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आप ठीक से फिजियोथेरापी करते हो तो 1 साल बाद भी थोड़ी रिकवरी आ सकती है।
नॉर्मल नहीं हो सकते, लेकिन रिकवरी थोड़ी एक साल के बाद भी आ सकती है। जितनी रिकवरी आनी होती है वो मैक्सिमम एक साल में आती है, उसमें भी सेंसेशन वाली चीज सेंसरी 3 महीने में आ जाती है, जो मोटर इंप्रूवमेंट है, पावर के इंप्रूवमेंट है, वो 6 से 12 महीने में आता है। लेकिन 12 महीने के बाद नई रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकती है। सर अब बहुत सारे पेशेंट जैसे 7 साल के बाद भी एक्सरसाइज चालू करते हैं और उनको रिकवरी आती है थोड़ी बहुत, जो परमानेंट इंजरी होती है फिर भी, तो क्या ये पॉसिबल? मैंने एक पेशेंट से जैसे 12-13 घंटा एक्सरसाइज करवाई थी, इंडियन आर्मी में थे और उनको रिकवरी दिखी मुझे थोड़ी बहुत, और हमने एक वीडियो भी बनाया था, तो क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मानते हैं कि भाई 10 साल के बाद या 5 साल के बाद रिकवरी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, तो एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली उनके जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जैसे काम करेंगे तो वो रिकवरी आएगी ना। जितने मतलब टाइम चला जाता है इंजरी के बाद, उतने रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। जितना जल्दी आप फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज चालू करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी और उतनी अच्छी रिकवरी के आने के चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में रिकवरी करने, बाद में एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। बाद में करने से भी रिकवरी आ सकती है, लेकिन वो रिकवरी पहले जितनी अच्छी नहीं होगी, उसमें आपको डेफिशिट 100% रह जाएगी। तो टेक होम मैसेज ये है कि इंजरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन, ये सब जो सपोर्टिव एड्स जो होते हैं, आपके जो स्पेशल शूज है, दूसरी चीजें हैं, वो सब हो सके उतनी जल्दी यूटिलाइज करनी चालू कर देनी है। सर अभी लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मेरी 83% इंजरी है और यूडीआईडी में आपने बताया है कि भाई 83% है और आप ही ने चेक किया था, और बहुत लोग मानते हैं कि भाई 83% में इंजरी में कोई नहीं चल पाता, यानी कि इंडिपेंडेंट चलना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट चल तो नहीं पाता हूँ, लकड़ी से मुझे चलना पड़ता है क्योंकि कभी भी पैरों में मेरे इतना सेंसेशन नहीं है, एक पैर से मैं खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन लगता नहीं है, लोगों का इतना लगता है कि बहुत अच्छे से चल पाते। तो क्या, और बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि भाई 70% इंजरी हमारी, 50% है, हम आज भी व्हील चेयर पर हैं, तो आप 83% में कैसे चल पाते हो और हम क्यों नहीं चल पाते उनको, तो आप ही उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताइएगा कि भाई आपने चेक किया है मेरा सारी चीजें। 83% जो है वो डिसेबिलिटी है, 83% इंजरी नहीं है। डिसेबिलिटी के मतलब जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका पैरों का पावर, आपके संडास पेशाब के कंट्रोल, आपको और कोई तकलीफ है कि नहीं, हाथों में कोई तकलीफ नहीं है, दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है, आपको और कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिला के उसका एड ऑन करके ये टोटल डिसेबिलिटी होती है। तो आपकी 83% डिसेबिलिटी है वो मेनली आपका ब्लेडर का कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आपको पेशाब का कंट्रोल नहीं है, उसका कंपोनेंट उसमें डिसेबिलिटी में ज़्यादा है, और पैरों का पावर का कंपोनेंट उसमें कम है। किसी की 70% होगी लेकिन उसको ब्लेडर का कंट्रोल नॉर्मल होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पैरों की ताकत आपसे कम हो लेकिन ब्लेडर का कंट्रोल अच्छा होने की वजह से उसको डिसेबिलिटी कम मिली हो। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी इंजरी पहले तो काफ़ी सीवियर थी, लेकिन आपकी जो फिजियोथेरापी आपने की, आपने जो इतनी एक्सरसाइज की जो बहुत ही कम लोग करते हैं, वो आपने की, उसकी वजह से आपको ये सब रिजल्ट मिला है और आपका हौसला काफी मजबूत है उसकी वजह से। दोस्तों आज हमने डॉक्टर शैलेंद्र का इंटरव्यू लिया, थोड़ा कम लिया, बहुत ज़्यादा लेना था, लेकिन दोबारा हम उनका भी लेंगे, और आज हम 3-4 न्यूरोसर्जन से मैं मिला हूँ तो उनको भी मैंने थोड़ा कन्विंस किया कि आगे जाके वो हमको थोड़ा इंटरव्यू दे, तो शायद बहुत अच्छे से हमको इसके बारे में, इसकी रिगार्डिंग जानकारी मिलेगी, हर टाइप की हम जो भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की जो भी तकलीफें हैं वो सारी वो सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काशी रे, कायागार से काशी हो जैसे ओस रामोती।